बैठ जाओ एक बार जोरदार कह रहे भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। बैठ जाइए सब लोग। आई लव यू टू। दोस्तों आज मेरा चौथा दिन है कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ता सम्मेलन में, अलग अलग जिलों में जाके कार्यकर्ताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और जितना जोश और जितनी ऊर्जा आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता 2015 में भी इतनी ऊर्जा थी। दो हजार पंद्रह से दुगनी तिगुनी चौगुनी ऊर्जा आज अपने कार्यकर्ताओं में भरी हुई है, और उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल के अंदर आपकी सरकार ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं, ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं कि 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने किसी भी राज्य के अंदर वो काम नहीं किए थे जो आपकी सरकार ने करके दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं। ऐसे ऐसे काम करे हैं, जो इतने सारे काम करे हैं, अभी गोपाल राय जी गिना रहे थे, मैं सुन रहा था। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब अपनी गली में चलता है, जब अपने मोहल्ले में चलता है, तो छाती चौड़ी करके चलता है, सिर ऊंचा करके चलता है। आपकी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर आपका सीना चौड़ा कर दिया। अभी तक राजनीति इतनी गंदी हुआ करती थी कि 5 साल कोई सरकार सत्ता में रह जाए तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, इतने स्कैंडल हो जाते थे, इतने प्रश्न उठते थे कि 5 साल के बाद किसी को शक्ल दिखाने लायक बचते नहीं थे। कोई गली में निकलो तो पूछता था उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो घोटाला हो गया। हमने इतनी सड़कें बना दी, इतनी पानी की पाइपलाइन बिछा दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, और इन्होंने हमारी सारी चेकिंग करा ली, एक नए पैसे का घोटाला नहीं निकला हमारे ऊपर। तो इस वजह से जैसे अभी गोपाल जी बता रहे थे, मेरे को नहीं लगता 70 साल में ऐसी कोई पार्टी आए कि चौराहे के ऊपर खड़े होके कहे कि भाई साहब कोई काम किया हमने, और जनता एक के बाद खड़ी होके काम गिनाने लग जाए। हमने अपना पूरा स्टाइल बदल दिया इस बार कैंपेनिंग का। आपने देखा होगा गोपाल जी का जनसंवाद, और अब संजय सिंह जी जा रहे हैं जगह जगह, हमने भाषण देने बंद कर दिए, अब जनता भाषण दे रही है और हम सुन रहे हैं। जनता कह रही है ये भी कर दिया जी, ये भी कर दिया जी, ये भी कर दिया जी, फिर कोई खड़ा होकर कहेगा ये तो रह गया, ये भी है, वो कहेगा ये भी रह गया, ये इतने काम। दोस्तों पहले मेरे परिवार में 7 लोग हुआ करते थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, 6 लोग और मेरे माता पिता, हम 6 लोग साथ रहते हैं। फिर जब पार्टी बनाई तो परिवार बहुत बड़ा हो गया, इतने सारे कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा बन गए, और फिर जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे परिवार में 2 करोड़ लोग हो गए। हम भी छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं, एक आम आदमी का दर्द समझते हैं हम लोग। तो मेरे इस बड़े परिवार में, 2 करोड़ लोगों के परिवार में, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार होता था तो तकलीफ होती थी। यहां पे
इसलिए इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। सरकारी स्कूलों में जब बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती थी तो लगता था यार अपने ही बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब हो रहा है, कुछ करो। तो फिर मेहनत कर करके सरकारी स्कूल ठीक करें। एक 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 काम, इतने सारे काम क्यों हुए? इतने सारे काम इसलिए हो क्योंकि दिल से जुड़ाव है जनता के साथ, मोहब्बत करते हैं हम दिल्ली की जनता से। और आज ये जो इस यहां पे बैठे हैं इतने लोग, ये केवल ये कार्यकर्ता नहीं है, अपने कार्यकर्ता इतने बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर, आप खुद सोच के देखो, जो मरीज हमारे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के बाहर निकलता है, भाई साहब इतनी दुआ देता, आपको इतनी दुआ देता, आप सोच भी नहीं सकते। वो हर मरीज जिसने हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया, एक अम्मा मिली बता रही थी 6 लाख रुपए का उसका ऑपरेशन था, बोली प्राइवेट अस्पताल में 6 लाख रुपए मांग रहे थे, जीटीबी अस्पताल में गई, 6 लाख रुपए का सारा ऑपरेशन फ्री में हो गया उसका। वो अम्मा आज आपकी कार्यकर्ता है, आपके परिवार का हिस्सा है, वो जाके अपनी पूरी गली में गाती है केजरीवाल ने मेरा ऑपरेशन करा दिया, कहती है कि नहीं कहती, पूरी गली में गाती है, सारे रिश्तेदारों को बोलती है। जिन जिन लोगों ने हमारे अस्पतालों में, हमारे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, वो सारे आपके कार्यकर्ता हैं। जिन जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों का आज भविष्य सुनहरा हो गया, वो सारे माँ बाप दिल्ली के आपके कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने 14 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। दिसंबर के महीने में 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आएंगे। ये सारे आपके कार्यकर्ता हैं। पहले जब बिजली का बिल आया करता था, आदमी आंख बंद करके राम 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 जपा करता था, पता नहीं कितना आ गया। आज बिजली का बिल आता, दिवाली मनती है, घर के अंदर बिजली का बिल आ गया, जीरो आ गया। एक आदमी आया मेरे पास, बोला जी बस 2 यूनिट ज्यादा हो गए, 2 यूनिट से रह गया बस में, नहीं तो मेरा भी जीरो आ रहा था। तो बिजली का बिल आना भी त्योहार बन गया दिल्ली के अंदर। ये सारे आपके कार्यकर्ता बन गए, और इन सब लोगों को जोड़ के अब हम लोगों ने दिल्ली में इतने बड़े बड़े काम करने चालू कर दिए। दिल्ली में हम लोगों ने डेंगू पे कंट्रोल कर लिया। पूरी दुनिया में 100 देश हैं जहां पे डेंगू की महामारी है। 100 के 100 देशों में भी एक भी देश नहीं है ऐसा, एक भी शहर नहीं है ऐसा, उनको ये नहीं समझ आता डेंगू पे कंट्रोल कैसे करें। अकेला दिल्ली है, 2015 में 15,500 से ज्यादा केस थे दिल्ली में डेंगू के, 60 मौत हुई थी। इस साल अभी तक, आज का डेटा आया है, इस साल अभी तक केवल 650 केस हुए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। ये कैसे हुआ? ये आप लोगों की वजह से हुआ, ये अपने 2 करोड़ लोगों की वजह से हुआ। ये 2 करोड़ लोगों का जो अपना परिवार बना है, दिल्ली परिवार, इसमें बड़ी ताकत है। ये सारे मिलके हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पोल्यूशन दिल्ली में, बताओ पोल्यूशन कम हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था, चमत्कार हो गया। बंबई में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कलकत्ते में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाराणसी में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कानपुर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, चेन्नई में बढ़ रहा है, बेंगलोर में बढ़ रहा है, देश के हर कोने में पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में कम हो गया। कितना कम हुआ जोर से बताओ? 25% पोल्यूशन दिल्ली में कम हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। डेनमार्क वालों ने बुलाया मेरे को, बोले अरविंद जी आके बताओ ये पोल्यूशन कम कैसे किया। डेनमार्क में 98 शहरों के मेयर की मीटिंग थी,
पूरी दुनिया से 98 बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मेलबर्न, जितने दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं उनके सबके मेयर आए हुए थे। उन्होंने मेरे को बुलाया कि अरविंद जी आप आओ और हमको बताओ कि पोल्यूशन कैसे कम किया, ये ऑड इवन क्या होता है, ये कैसे किया। इन्होंने जाने ही नहीं दिया मेरे को। इन्होंने जाने ही नहीं दिया मेरे को, ना जाने दे, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं, डंका तो अपना ही बज रहा है पूरी दुनिया में, ना जाने दे। उसके बाद भाई साहब उनका फोन आया डेनमार्क वालों का, बोले अरविंद जी नहीं आने दे रहे, कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमको बताओ। भाई साहब इतनी इज्जत दिल्ली वालों की नहीं हो सकती थी, पूरे 98 शहरों के बड़े बड़े शहरों के मेयर दिल्ली वालों के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि जी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताओ, हम सुनना चाहते हैं आपको। मेरा तो सीना चौड़ा हो गया अपने दिल्ली वालों के लिए। मैंने फिर उनको बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, भाई ये किया था हमने, ऐसे ऐसे ऑड इवन होता है, सारा बताया उन लोगों को। तो ये बीजेपी वाले खड़े होके बोले, पढ़ा होगा आपने अखबारों में, कहते हैं ये तो मेयर की कॉन्फ्रेंस थी, केजरीवाल क्यों जा रहा था, केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर है। तो मैंने कहा यार तुम्हारे मेयर को बुलाते ही नहीं, मैं क्या करूं, उनको पता है तुम्हारे मेयर क्या है, उनको पता है तुमने एमसीडी में क्या कर रखा है, पूरी दुनिया को पता चल गया बीजेपी वालों ने क्या कर रखा है नगर निगम, तुमको बुलाते ही नहीं, मैं क्या करूं बताओ। अभी 1.5 महीने पहले मनीष सिसोदिया जी को बुलाया मॉस्को वालों ने, मॉस्को में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग थी, मनीष जी को बुलाया, जी आके बताओ आपने सुना है शिक्षा क्रांति कर दी, क्या करा आपने। इन्होंने जाने ही नहीं दिया, ना जाने दे, चर्चे तो हमारे ही हो रहे हैं, डंका तो अपना ही बज रहा है, इनको थोड़ी बुलाते हैं, बुलाते तो हमको ही हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मीटिंग थी, दुनिया भर के हेल्थ मिनिस्टर आए हुए थे, इन्होंने सतिंदर जैन को बुलाया, उन्होंने बोले जी ये मोहल्ला क्लिनिक बड़ा सुन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक क्या है ये। नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर आई दिल्ली, नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर और किसी से नहीं मिली, अपने पीतमपुरी की झुग्गियों में जाके मोहल्ला क्लिनिक देख के आई वो। दिल्ली वालों के लिए इज्जत की बात है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इज्जत की बात है। वो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए, वो सीधे पीतमपुरी की झुग्गियों में जाके मोहल्ला क्लिनिक देख के आए, ऑल इंडिया मेडिकल नहीं देख के आए, मोहल्ला क्लिनिक देख के आए। तो इन्होंने सतिंदर जैन को बुलाया, इन्होंने जाने ही नहीं दिया, ना जाने दे, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं, डंका तो अपना ही बज रहा है, पूरी दुनिया में कहीं शिक्षा पे चर्चा हो जाए दिल्ली सरकार की याद आती है, पूरी दुनिया में कहीं पोल्यूशन पे बात हो, पूरी दुनिया में कहीं ऑड इवन पे बात हो, पूरी दुनिया में कहीं स्वास्थ्य पे बात हो, चर्चा दिल्ली की होती है, चर्चा आपकी होती है, चर्चा दिल्ली वालों की होती है। एक कार्यकर्ता आया मेरे पास, बोला अरविंद जी मैंने बड़ी मेहनत की थी, मेरे को क्या मिला। मैंने उससे पूछा तेरी बिजली के बिल कम हो गए, बोला हाँ जी जीरो बिल आ रहा है। मैंने कहा तेरी बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, कहाँ पढ़ते हैं, बोला जी सरकारी स्कूल। मैंने ठीक ठाक, बोला जी बहुत अच्छी हो गई। मैं कहा तेरे पानी का बिल, बोला जी जीरो आता है। मैं कहा फिर क्या कमी रह गई, बोला जी ये तो सबका हुआ, मेरा क्या हुआ। कई लोगों के दिमाग में आता है, ये आता है ना, कई सारे लोग मुंडी ला रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में आता है। मैं मन में सोच रहा था, भगत सिंह जब सूली पे चढ़ रहा था,
वो भी यही सोच लेता मेरा क्या, आजादी मिलेगी तो सबको मिलेगी, यो गांधी ले लेगा आजादी, मैं क्यों पचड़े में पड़ू। नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर वो भी यही सोच लेते कि हम क्यों पचड़े में पड़े, तो भाई साहब आजादी नहीं मिलनी थी। अगर हम सारे, जब हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी, सारों ने कसम खाई थी तन मन धन से देश की सेवा करेंगे, तन मन धन देश के नाम कुर्बान है, और आज हम बीच बीच में हमारे मन में ये आता है कि मेरा क्या, मेरे को क्या मिला। अरे आपने तो इतिहास रच दिया दिल्ली के अंदर, इतने बड़े बड़े काम कर दिया आप लोगों ने जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या मिला। आपको वो मिला जो कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती, आपको वो मिला जो आपका परिवार आपको नहीं दे सकता। 5 साल में आपने इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया, आपका लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। आज जितने बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं, उनसे बात करके देखो आप, इतनी शीश देते हैं, इतनी शीश देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतने खुश, इतने खुश, मैंने तो कभी नहीं देखा। एक एक बुजुर्ग कहता है कि जी हमारे परिवार ने, हमारे बच्चों ने इतना ख्याल नहीं रखना जितना आम आदमी पार्टी की सरकार आज हमारा ख्याल, वो सारा पुण्य आपके नाम है। आज जितने बच्चों के भविष्य बन रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, एक एक का माँ बाप इतना पुण्य दे रहा है, एक एक का माँ बाप इतना आशीर्वाद दे रहा है, वो सारा पुण्य आप लोगों को लग रहा है। ये देश के अंदर जो राजनीति बदलने का काम किया है, कोई सोच सकता था कि बिना पैसों के चुनाव लड़ा जा सकता है और सरकार बनाई जा सकती है, और 70 में से 67 सीट से सरकार बनाई जा सकती है, वो चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया था। तो ये मन में कमजोरी किस बात की, आपका मन तो प्रफुल्लित होना चाहिए, आपका मन तो खुश होना चाहिए, आपका तो सीना चौड़ा होना चाहिए, आप तो दुगनी एनर्जी के साथ काम करने को तैयार होने चाहिए। एक आरएसएस वाला मिला मेरे को, बोला अरविंद जी मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोला मैं ये सोचा करता था मेरे बच्चे का बिल्कुल भविष्य खराब है, लेकिन आपकी सरकार ने मेरे बच्चे का भविष्य बना दिया। अब भी अगर मैं आपको वोट नहीं दूंगा तो मैं बच्चे के साथ गद्दारी करूंगा मैं। और ये आप लोगों को भी सुनने को मिलता होगा, आज दिल्ली में एक एक बीजेपी वाला और एक एक कांग्रेस वाला आप लोगों को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों आपने अपने काम से इन लोगों का दिल जीत लिया है। एक और कार्यकर्ता आया, ये पार्टी में समस्या है जी, पार्टी में ये कमी है, पार्टी में वो कमी है, पार्टी ने ऐसे क्यों किया, ये क्यों छोड़ के चला गया, उसको क्यों ले लिया, उसको क्यों? भाई साहब आज साफ साफ करके जा रहा हूं मैं, पार्टी है, परिवार है, 100 टंटे हैं, 100 झगड़े हैं, इसका उससे नहीं बनती, उसके इससे नहीं बनती, बहुत सारे झगड़े टंटे हैं, रहेंगे, जब तक जान है तब तक झगड़े टंटे भी रहेंगे। 2 गारंटी दे रहा हूं बस आप लोगों को, जब तक केजरीवाल जिंदा है पार्टी भी ईमानदार रहेगी और सरकार भी ईमानदार रहेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं सरकार, आप एक भी कोई ऐसा काम सरकार नहीं करेगी जिससे आपको अपनी आंखें झुकानी पड़े, आपको अपना सर नीचा करना पड़े। हमेशा आपका सर ऊंचा रहेगा जब तक आप आम आदमी पार्टी हैं। तो अब 3-4 महीने रह गए, जैसे पिछली बार आप लोगों ने घर घर जाके काम किया था, इस बार भी कौन कौन लोग ईमानदारी से बता देना जो 4 महीने, अभी तो पूछा ही नहीं, झूठ बोल रहे हो इसका मतलब, जो लोग 4 महीने छुट्टी लेके अब चुनाव तक फुल टाइम काम कर सकते हैं, जरा हाथ खड़े कर दो। बाकी लोग जिन्होंने नहीं करे हाथ खड़े, उनके जितना भी बस में हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जो जितना समय दे सकता है उतना समय जरूर दे, ये सोच के समय दे कि मैं केजरीवाल के लिए काम नहीं कर रहा, मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी काम नहीं कर रहा, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और मैं पुण्य कमाने के लिए काम कर रहा हूं।
मैं आज आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो ये दिल्ली का जो ये समय ये बड़े सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा दोस्त। भारत को नाज होगा आप लोगों के ऊपर और आने वाली नस्लों को नाज होगा आप लोगों के ऊपर। जो काम आप लोगों ने करके दिखा दिया है वो काम बेहद चमत्कारिक काम है, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। भारत माता की जय।